नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम में और आप नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो कि बिल्कुल मुफ्त है। रियल लाइफ में कुंवारा बाप बनने वाले एकुलाल संडील ने 23 जनवरी को अंतिम सांस ली। 58 साल के इस शख्स ने 11 साल पहले जो इंसानियत की मिसाल पेश की थी, जिंदगी के अंतिम पलों में वही उनका आखिरी सहारा बनी। उन्होंने एक दूसरे धर्म के लावारिस बच्चे को नई जिंदगी देने के लिए खुद कभी शादी नहीं की थी। अकबर बताता है, 2002 की बात है, मैं तब 2.5 साल का था। मैं शहर के कैसरबाग लाल बारादरी के पास लावारिस पड़ा था, मुझे बस अपना नाम पता था। अकबर एकुलाल तब वहाँ चाय का ठेला लगाते थे। उन्होंने मुझे भूख से तड़पता देखा, वो मेरे पास आए और पूछा कि मैं कौन हूँ, मेरे अम्मी अब्बू कहाँ हैं। लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं था, भूख की वजह से मैं काफी बीमार था। वो अपना काम धंधा छोड़कर मुझे बलरामपुर हॉस्पिटल लेकर गए और मेरा इलाज करवाया। कुछ दिनों में मेरी सेहत सुधरी तो वे मेरे मम्मी पापा को ढूंढने में लग गए, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल सका। तब से मैं इन्हीं के पास रह रहा हूँ। यही मेरे अम्मी अब्बू हैं, वो हिंदू हैं, लेकिन मेरी परवरिश उन्होंने मुस्लिम बच्चे की तरह की है। अब मेरी बारी थी कि मैं बीमारी के दिनों में उनका ध्यान रखूं। अकबर अब 17 साल के हैं और प्रेजेंट में 12वीं क्लास में हैं। अकबर बताते हैं, पापा मुझे अकेले ही पाल रहे थे, उन्होंने आज तक शादी नहीं की।